वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सी प्रोग्राम की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट ए सी प्रोग्राम, हाउ टू कंपाइल एंड हाउ टू एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सी प्रोग्राम को की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपका जो एडिटर है टर्बो सी प्लस प्लस, सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है। इसी एडिटर पर ही जो है सारे सी प्रोग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ छोटा सा एक। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं hash include stdio.h hash include conio.h void main ये जो मैं यहां पर कोड लिख रहा हूं ये आपका एक तरह से जो है सोर्स कोड कहलाता है। तो यहाँ पे सी के एडिटर पर इस स्क्रीन पर जो आप कोड टाइप करोगे वो कोड आपका कहलाएगा सोर्स कोड, CLRSER। इस सोर्स कोड को भी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन कोड को भी समझेंगे। सबसे पहले मैं कोड लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बार इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पर। प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल कोड में मैं लिख दिया हेलो उदयपुर। इस तरह से मैंने यहां पे कोड लिख दिया है गेट ch लास्ट में इसका क्लोजिंग। ये छोटा सा कोड मैंने यहां पे लिखा है। सबसे पहले इस कोड को अपन सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए ये जो स्टेप रहेगी वो या फाइल में जाकर के सेव ऑप्शन है या इसकी शॉर्टकट की है F2। तो F2 आप कीबोर्ड से प्रेस करके भी सेव विंडो को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोग्राम को .c एक्सटेंशन से सेव कर लेता हूँ क्योंकि सी का प्रोग्राम है और यहाँ पे नॉमिनी की जगह यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ। जैसे इस प्रोग्राम का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ हेलो उदयपुर, हेलो उदयपुर .c। तो यहाँ पे ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है .c एक्सटेंशन के साथ में TC bin फोल्डर के अंदर। तो ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ये कोड आपका है सोर्स कोड। तो जब भी सी के एडिटर पे आपको काम करना है तो सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा आपका सोर्स कोड को टाइप करना। ये सोर्स कोड को भी अपन एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले जो लाइन आपको दिख रही है हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, ये जो है आपकी कहलाती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल्स, हेडर फाइल का मीनिंग है कि जो भी प्रोग्राम के अंदर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं उन सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स के अंदर है, यानी कि उन फंक्शन को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है हेडर फाइल्स। तो सबसे पहला जो काम रहेगा अपना किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने का वो रहेगा आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। तो यहाँ पे एक हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर रखी है stdio.h, .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। तो stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इनकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे प्रिंटएफ फंक्शन है ना, स्कैनएफ फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस की डेफिनेशंस जो है stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन, इसलिए इस फाइल को यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा है। conio.h हेडर फाइल में भी बहुत सारे फंक्शंस जैसे CLRSER, getch, ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइन है जिनकी डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स के अंदर मिलेगी। तो इनको यहाँ पे सबसे पहला जो काम रहेगा इन हेडर फाइल को इंक्लूड करने का रहेगा। सेकंड
जो स्टेप रहेगी प्रोग्राम को लिखने की वो रहेगी आपका मेन फंक्शन, इसको कहते हैं अपन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। तो किसी भी प्रोग्राम का जो है मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन से ही स्टार्ट होता है, या यूं कह सकते हैं कि प्रोग्राम का जो कंट्रोलिंग है वो आपका मेन फंक्शन से रहेगा। हमेशा जो है किसी भी सी प्रोग्राम के लिए जो है केवल और केवल एक मेन ही यूज करना रहेगा। अगर मोर देन वन मेन किसी एक प्रोग्राम में आ गए तो फिर कंपाइलर के लिए भी ये एम्बिग्युटी क्रिएट हो जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा किस मेन से स्टार्ट करना है प्रोग्राम। तो जब भी कोई सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो सी प्रोग्राम इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है ये मेन की स्टार्टिंग है, जिसको हम कहते हैं कर्ली कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट। ये है आपका कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट, ये यूं कह सकते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग या मेन की स्टार्टिंग। और ऐसा ही सिमिलर यहां पे लास्ट में दे रखा है कर्ली क्लोजिंग, ये है आपका कर्ली क्लोजिंग ब्रैकेट, कर्ली क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये मेन की एंडिंग या प्रोग्राम की एंडिंग। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो है या मेन की जो स्टार्टिंग है वो आपकी कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट से होगी, और मेन की जो क्लोजिंग है वो आपकी कर्ली क्लोजिंग। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आपका प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। तो प्रोग्राम के स्टेटमेंट में सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो है सी एल आर एस ई आर फंक्शन। इसको अपन कहते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्या काम करता है ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम क्या रहेगा कि ये आपकी जो आउटपुट स्क्रीन जो है प्रोग्राम की जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करने का काम करता है। क्योंकि पुराने जो आउटपुट्स हैं या पुरानी गार्बेज वैल्यू है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी। तो जैसे ही CLR SCR फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वो आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का काम कर देगा। CLR SCR फंक्शन जो है वो एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है जो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, हम डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं बस। तो जैसे इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये आपकी आउटपुट स्ट्रीम को क्लियर करने का काम कर रहा है। और इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड है। इस तरह से नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका वो है आपका प्रिंट एफ फंक्शन। क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन। इसको बोलते हैं अपन प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या रहेगा? प्रिंट एफ फंक्शन में डबल कोड के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ फंक्शन का काम है आउटपुट प्रिंट करने का या किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने का। तो यहाँ पे ये डबल कोड में एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है, हेलो उदयपुर, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोड के अंदर लिखा जाता है। तो इस स्ट्रिंग को आउटपुट पर प्रिंट करने का काम जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन करेगा। या प्रिंट एफ फंक्शन का और भी काम है, किसी भी आउटपुट को भी प्रिंट एफ फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है। उसके बाद में जो स्टेप है प्रोग्राम की वो है आपका गेट सी एच फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन। तो गेट सी एच फंक्शन क्या करेगा? गेट सी एच फंक्शन का काम रहेगा यहाँ पर आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना, ताकि आपको आउटपुट दिख सके। अगर आप गेट सी एच फंक्शन यूज नहीं करोगे प्रोग्राम में तो आउटपुट तो आपका आ जाएगा लेकिन आउटपुट आपको शो नहीं हो पाएगा। तो गेट सी एच फंक्शन जो है आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा ताकि आप आउटपुट देख सकते हैं। तो ये भी एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ जितने फंक्शन मैंने यूज लिए हैं, CLR SCR फंक्शन, ये भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है जो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का फंक्शन है। प्रिंट एफ फंक्शन, ये भी हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पर जो है इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो ये भी एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का फंक्शन है। गेट सी एच फंक्शन भी आपका जो है स्टैंडर्ड कोनोड अटैच हेडर फाइल का जो है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रोग्राम को समझाने के लिए हेडर फाइल्स मेन फंक्शन, ये आपकी कहलाती है कमेंट लाइन्स। इनको क्या बोलते हैं? कमेंट लाइन्स, कमेंट लाइन्स।
कमेंड लाइंस का मतलब होता है कि उसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन यूजर को कोई स्टेटमेंट समझाने के लिए आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं, कमेंड लाइन लगा सकते हैं ताकि यूजर उस लाइन को समझ सके। तो यहाँ पे हेडर फाइल को समझाने के लिए मैंने यह कमेंड लाइन के अंदर हेडर फाइल्स लिख दी ना। तो इस तरह से कमेंड लाइन लगाने का तरीका ये स्लैश के साथ अब यूज करते हो। इसके साथ कमेंड लाइन लगाने का दूसरा तरीका और है, आप इस तरह से भी कमेंट लाइन लिख सकते हो। अगर आप इस तरह से जो स्लैश नहीं यूज करते हो तो कमेंट लाइन इस तरह से भी आप लगा सकते हो स्लैश यूज करके स्टार और वापस स्टार और स्लैश, ये भी आपका कमेंट लाइन लिखने का तरीका। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका प्रोग्राम में कमेंट लाइन आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपको सी के एडिटर पे लिखना रहेगा। फिर जब प्रोग्राम आप लिख लेते हो तो उसके बाद में प्रोग्राम को कंपाइल करना रहता है। तो कंपाइल करने का जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ कंपाइल मेनू में कंपाइल ऑप्शन या फिर इसकी शॉर्टकट की है अल्टर प्लस F9। जैसे इसको क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम जो है कंपाइल हो जाएगा। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो यहाँ पे जीरो एरर जीरो वार्निंग आपको शो हो जाएगी। और अगर प्रोग्राम में कहीं कुछ एरर है, कहीं कुछ गलती करी है, लिखने में गलती करी है, सिंटेक्स में गलती करी है, लॉजिक में गलती करी है, तो वो आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो कंपाइलर का काम है पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करके जितनी भी एरर्स है प्रोग्राम में वो सारी की सारी शो करनी। कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे जीरो एरर शो हो जाएगी। तो ये हुआ आपका प्रोग्राम का या सोर्स कोड का कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब है कि जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। तो आपका सोर्स कोड वो सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। फिर थर्ड जो प्रोसेस रहेगी वो होगी आपकी रन की या एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे रन मेनू में रन ऑप्शन दे रखा है या इसकी शॉर्टकट की भी है अपने पास अल्टर प्लस F9। तो कीबोर्ड से अल्टर प्लस F9 कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने से भी आपको सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट होने पे जो आपके आउटपुट स्क्रीन पर ये आपकी ब्लैक जो स्क्रीन दिख रही है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, उस पर आपको दिखाई दे रहा है हेलो उदयपुर, जो हमने प्रिंटर फंक्शन में लिखा था। तो प्रिंटर फंक्शन का जो लिखा हुआ आउटपुट है वो एज इट इज आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है, exe कोड। तो सक्सेसफुली जब एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम तो आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट दिख जाएगा। तो मोटा मोटा जो अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से रहेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सी प्रोग्राम का। सबसे पहले आपको हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम का होगा, उसके बाद में कर्ली ओपनिंग और कर्ली क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो है आपके स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे प्रोग्राम के, और यहाँ CLR SCR जो फंक्शन है वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का काम करेगा। प्रिंट एफ फंक्शन जो है आपकी आउटपुट स्क्रीन पर इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करेगा। गेट सी एच फंक्शन जो है वो आपका आउटपुट को होल्ड करके रखने का काम करेगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, जिस तरह से आपको सी प्रोग्राम जो है, तो हर सी प्रोग्राम को लिखने का तरीका यही रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ इतना होगा जो लॉजिक है प्रोग्राम का जो या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इस तरह से जो है सी प्रोग्राम जो आप यहाँ पे एडिटर पे लिखते हैं वो जो आपका कहलाता है सोर्स कोड, उसको अपन बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, ये सोर्स कोड लिखने के बाद में जो सेकंड जो स्टेप रहेगी वो रहेगी कंपाइलेशन की। सक्सेसफुली आपका कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम, थर्ड जो स्टेप रहेगी वो आपकी रहेगी एग्जीक्यूशन की या रन की। तो जैसे ही रन होगा प्रोग्राम तो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड आपके आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ प्रोग्राम के साथ में प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से जो है सी के जो प्रोग्राम है वो आपके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन आगे। थैंक यू।